दोस्तों क्लास 10 सीबीएसई में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तब आपको यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट में दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, और दोनों में से किसी भी एक मैथ्स को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्वेरी ये रहती है कि आपको कौन सा मैथ्स चॉइस करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा बेटर है, कि कौन सा मैथ्स आपके लिए बेटर है, दोनों के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और लास्ट में आपके साथ मैं कुछ एफएक्यू भी शेयर करने वाला हूं जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली शेयर किए गए हैं। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो शुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा और सीबीएसई के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास 10 सीबीएसई में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तब आपको मैथ्स के सब्जेक्ट में दो ऑप्शन दिए जाते हैं, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, दोनों में से कोई भी एक आपको चॉइस करना रहता है। 2020 से पहले आपको मैथ सब्जेक्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता था मैथ्स के लिए, लेकिन 2020 से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कंपलसरी कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना रहेगा और दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो काफी सावधानी से आपको चॉइस करना रहता है, क्योंकि यही आपका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप कोई भी मैथ चॉइस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज आगे मिलती है। अब यहाँ पर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में जो कॉमन चीजें हैं वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी जो बुक्स है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगी, यानी कि जो आपको बुक्स फॉलो करनी है वो एनसीईआरटी का बुक्स फॉलो करना रहेगा। जो सिलेबस है वो भी दोनों के लिए कॉमन रहेगा, बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी। इवन यहाँ पर आपकी जो क्लास रहेगी यानी कि आपको जो पढ़ाई कराई जाएगी वो भी आपकी कॉमन ही कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपकी एग्जामिनेशन के टाइम भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा तब यहाँ पर आपको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ए ग्रुप जो है वो आपका बेसिक मैथ्स का रहेगा और जो बी ग्रुप है वो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पर ए जो ग्रुप रहेगा बेसिक मैथ्स वालों का उनके लिए पेपर अलग दिया जाएगा और जो बी ग्रुप रहेगा स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का उनका पेपर अलग दिया जाएगा। अब यहाँ पर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक मैथ्स है उनके जो पेपर का लेवल है वो इजी रहेगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। यहाँ पर आपको काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक मैथ्स में। और यहाँ पर बी ग्रुप की बात करें यानी कि स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मॉडरेट और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पहले 2020 से पहले आपको रेगुलर लेवल पे जो आपको पूछे जा रहे थे उसी लेवल पे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आपको काफी हार्ड या फिर टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जो क्वेश्चन पेपर का लेवल 2020 से पहले पूछा जाता था रेगुलर मैथ्स में वही लेवल आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स में दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की जो कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। तो यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा बैकड्रॉप आपको ये देखने को मिलेगा कि क्लास 11th और 12th में आप मैथ सब्जेक्ट नहीं ले सकते। उसी के साथ साथ आपको दूसरा बैकड्रॉप यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप मैथ्स के रिलेवेंट में जो भी आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज है वो भी आप चॉइस नहीं कर पाते। उसी के सामने अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है कि यहाँ पर आप बायो सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि आप मेडिकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप MBBS, BDS, BHMS, BMS जैसे आप कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी के सामने अगर हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोज में आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि क्लास 11th और 12th में आप मैथ सब्जेक्ट ले सकते हैं और मैथ सब्जेक्ट के बेसिस पर आप इंजीनियरिंग में काफी अच्छे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि बीई, बीटेक, बीआर, बीप्लान, बीसीए जैसी बड़ी कोर्सेज में भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैथ्स की फैकल्टी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और फाइनेंस मैनेजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से काफी सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज आपको मैथ सब्जेक्ट के साथ भी मिल जाती है। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल एफएक्यूज की जो कि सीबीएसई की ओर से रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कैन ए स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल एग्जाम, यानी कि एक सिंगल स्टूडेंट बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मना कर दिया गया है, नो देयर इज ओनली वन ऑप्शन आइदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। तो यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया गया है कि यहाँ पर आप बेसिक चॉइस कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स चॉइस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा। इफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर द बेसिक लेवल एग्जाम बट विशेज टू अपियर फॉर द स्टैंडर्ड लेवल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कैन ही और शी डू सो
तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है और एग्जामिनेशन के बाद अगर वो चेंज करना चाहे यानी कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहे तो उसके लिए कोई ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये बता दिया गया है कि हाँ आप इसमें एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट की जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा और उसमें आपको क्वालिफाइड भी होना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी बेसिक मैथ्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर लेने के बाद स्टैंडर्ड मैथ्स के एग्जामिनेशन को एज ए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप अपीयर होकर के स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए एग्जाम दे सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का, तब उस रिजल्ट को कंपाइल करके अलग से एक नया रिजल्ट जो है वो आपके लिए जारी किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के रिलेवेंट में। आपने कौन सा मैथ्स चॉइस किया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और ये इन्फॉर्मेशन आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर से कर लीजिएगा, और सीबीएसई की फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉप में।